मुझे नहीं लगता कि उर्मिला को किसी की सिंपैथी या दया की जरूरत है। आई नो अश्विन अंकल वाज अ बैड मैन, आपने ठीक किया मम्मा, उनको पनिश किया। इतने अच्छे इंसान के साथ एक घर में रहना, आई कांट इंसल्ट हिम सो बैडली। रश्मि के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी उनसे। मैं आपको कल ही मिलूं। शाम तक रेंट दे देना। दे दूंगा। आपका काम इतना अनप्रोफेशनल और खराब है कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो ये खर्चे हमारे हुए हैं वो हमें वापस कर दें। सर हेलो 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 मिस्टर कश्यप, देखिए मैं दो दिन में आपको ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है ये रीशूट करके भेज दूँ, ठीक है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये प्रोजेक्ट हमने किसी और को दे दिया है। सर देखिए हो गई गलती, वो क्या करूँ सर, ये बार बार तो नहीं होती ना, लाइक ना जस्ट गिव मी अ चांस, आई विल रेक्टिफाई द मिस्टेक। हमें जो प्रॉब्लम लग रही है वो सुधारी नहीं जा सकती, आपने बिल्कुल निपटाने जैसा काम किया है। सर क्या बात कर रहे हैं सर, आई वर्क विद द बेस्ट ऑफ दिस कंट्री सर, यूं ही थोड़ी ना नाम होगा। मिस्टर अभिमन्यु, आजकल ज्यादातर कंपनी आपके साथ काम नहीं करना चाहती। ये एडवर्ड की जो दुनिया है ना, ये छोटी सी वेल कनेक्टेड दुनिया है, यहाँ किसकी रेपुटेशन कब गिर रही है कब उठ रही है मिनटों में पता चल जाता है। और हम चाहते हैं कि अब तक आपने इस प्रोडक्शन के लिए जितने भी पैसे हमसे लिए वो हमें वापस कर दें। I'll do that. Fine, I'll कर दूंगा वापस मुझे सब। मुझे भुगतना ही था, ये तो तुम्हें भुगतना ही था अभिमन्यु सक्सेना, ये तुम्हारे हिस्से का है, ये तो तुम्हें भुगतना था, इससे कहाँ बचोगे तुम, ये तो भुगतोगे। हाय मानस, तुम्हें याद कर रही थी, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। क्यों, कोई खास बात? वही बात जिसके लिए तुमने फोन किया है। उर्मिला? हाँ, बहुत खुश थी सोनू से मिलकर, काफी पॉजिटिव चेंज आया है उसमें। चलो अच्छा, मैं भी यही चाहता हूँ, इनफैक्ट सोनू भी आज के लिए काफी खुश है, इतने दिन की नाराजगी गुस्सा सब निकल गया है, आज भी बड़े अच्छे मूड में स्कूल गया है। बस एक बात है, बार बार वो मुझसे पूछते रहता है कि मम्मी घर क्यों नहीं आती और वहाँ क्यों रहती है, समझ में नहीं आता उसे क्या समझाऊँ। यही बात मैंने भी पूछी उससे, बट शी इज नॉट विलिंग मानस। क्या कहती हैं? यही कि वो तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा नहीं उठाना चाहती, एक ही छत के नीचे तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बड़प्पन की तौहीन नहीं करना चाहती वो। तुम अस्पताल कब पहुंच रही हो? फिलहाल तो मैं पापा के यहाँ जा रही हूँ, उनको कोई जरूरी काम है मुझसे मानस। सब ठीक तो है? Let's hope so. चलो ठीक है, बाद में बात होती है, बाय। थैंक यू सर। नैना, नैना, क्या बात है, कुछ चाहिए आपको? गौरी, क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो आप, और ये चिट्ठी किसकी है? ये मैं सोच भी नहीं सकता था, ये मेरा छोटा भाई है। क्या बात है भैया, क्या हुआ? अभिमन्यु ने लीगल नोटिस भेजा है, इसमें लिखा है कि या तो वो घर हम सरकार को वापस लौटाए जो अभिमन्यु के शहीद होने पर हमें अलॉट हुआ था, या फिर उसको बेचने पे जो पैसा मिला वो हम उन्हें वापस कर दें। अब क्या करेंगे हम, ना तो वो घर है हमारे पास और ना ही उसका पैसा। जिसका मुझे डर था वही हुआ, इसीलिए मैं अभिमन्यु से नहीं मिलना चाहता था। देखा देखा तुम्हारे लाडले भाई ने क्या किया, उस दिन मिलने आया था तो कितना प्यार उमड़ रहा था उसका, पर पीछे से ये नोटिस भेज दिया। मैं जानता था यही होगा, इसीलिए जिंदा लौट के आया है वो, हमें परेशानी मिटाने के लिए, अपने ही बड़े भाई को फंसा दिया, हम करेंगे क्या? मैं
मैं तो ये मानता हूँ भाई कि रोहित को बताना बहुत जरूरी है। वो बेचारा तो कविता की लास्ट विश के बारे में बिल्कुल अनजान है। लो सिमरन आ गई, अब सारी बातें तय कर लेते हैं। ऐसी क्या बात तय करनी है? पापा बार बार मुझे फोन करके बुला रहे थे। इज इट समथिंग इम्पोर्टेंट? रश्मि कहाँ है, कॉलेज गई हो? नहीं सिमरन, वो आजकल कॉलेज नहीं जा रही। क्यों? रश्मि, रश्मि। रश्मि के ही बारे में बात करनी थी बेटा। एक्चुअली कविता ने रश्मि को एक खत लिखा था। उस खत में उसने रश्मि से अपने मन की इच्छा, अपनी आखिरी इच्छा के रूप में लिखी थी। उसने रश्मि से रिक्वेस्ट की है कि वो रोहित से शादी कर ले। क्या? हाँ बेटा, मुझे भी कविता की समझदारी पर हैरानी है। कविता ने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखकर ये फैसला लिया होगा। अपने परिवार को अपनी छोटी सी बहन के हाथों सौंपना चाहती थी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर अ वुमन टू मेक। रश्मि का घर बस जाएगा। हाँ, लेकिन ये डिसीजन आप लोग कैसे ले सकते हैं? नहीं, अभी रोहित से बात करना बाकी है बेटा। पापा, रश्मि, रश्मि से पूछा किसी ने? दीदी, मैं शादी करूंगी। आई हैव ऑलरेडी टेकन माय डिसीजन। व्हाट यू से दीदी, प्लीज। बेटा, अचानक से ये सब हो गया। वक्त भी अजीब मोड़ ले लेता है। मैं भी तुम्हारी तरह एकदम हैरान रह गया था। डेस्टिनी का खेल ही समझो। तुम तीनों बहनें साथ में हंसते खेलते बड़ी हुई, फिर एक दिन तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया, लेकिन तुमने अपनी छोटी बहन कविता का घर बसा दिया, और आज कविता ने अपनी छोटी बहन का। अब हर फैसला डेस्टिनी के नाम पर नहीं लिया जा सकता। कविता वाज इंटरेस्टेड इन मैरिंग रोहित। रश्मि की इच्छा के बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शी इज अंडर नो प्रेशर। दीदी, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? मैं तो उसे बात करना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। नहीं रश्मि, मैं तुझे ऐसे नहीं करने दूंगी। कविता की इच्छा पूरी करने के लिए तुझे अपनी खुशी सैक्रिफाइस नहीं करने दूंगी मैं। कविता दीदी की अंतिम ख्वाहिश के आगे मेरी ख्वाहिशें कोई मायने नहीं रखती। और प्रणय की? रश्मि, तूने प्रणय के बारे में सोचा है? उसे क्या जवाब देगी तू? दीदी, मैंने उनसे बात कर ली है। बात कर? और प्रणय को भी समझना होगा कि कविता दीदी की ख्वाहिश मेरे लिए क्या है। आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप वही नहीं करती जो मैं कर रही हूं? आई डोंट नो रश्मि। दीदी, आप जानती है ना कि कविता दीदी मेरे लिए सब कुछ थी। उनके जाने के बाद वो हम सबको खुश देखना चाहती है, और हम उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा ना करके उनकी आत्मा को दुख नहीं दे सकते। दीदी, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कविता दीदी के सपनों को जीना चाहती हूं। कविता दीदी ना सहे, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश हमारे बीच जरूर रहेगी। और एक और बात, आप इसे कसम समझिए या रिक्वेस्ट, लेकिन घर में आप किसी को भी प्रणय के बारे में नहीं बताएंगी। सिमरन, हमें भी तो बताओ रश्मि ने क्या कहा। हम कब से वेट करें सुनने के लिए कि दोनों बहनों में क्या बात हुई। बुआ, रश्मि ने वही कहा जो आप सुनना चाहते हैं। वो भी कविता की इच्छा पूरी करना चाहती है। तो बेटा, तुम्हारी बात हो गई ना रश्मि से?
अब एक काम करो, रोहित से भी तुम ही बात करो। बड़ी बहन हो, तुम्हारे साथ वो खुलकर बात कर सकेगा। पापा, ये जो भी हो रहा है उसे सोचने और समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए, इसलिए प्लीज आप ही रोहित से बात कर लीजिए। मैं बहुत ठीक है तो कह रही है सौरभ, तुम्हें बात करनी चाहिए, इट विल मेक मोर सेंस। देखिए आप कल आइए, पैसे अरेंज हो जाएंगे कल तक। देखिए आप अपना स्टूडियो समेटिए और चलते फिरते दिखाई दीजिए, समझे कि नहीं? अब मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला, बहुत हो गया, बहुत देखा है मैंने आप जैसों को। क्या क्या देखा आपने, क्या देखा है? 3 साल से पैसे नहीं दे रहे हो क्या? टाइम पे एडवांस दे आपको इतनी बार। अरे अभी नहीं चल रहा है मेरा काम ढंग से, अब समझने की कोशिश करिए ना आप भी। देखिए वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपका सारा सामान उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा। हेलो, मैं BNW एड एजेंसी से बोल रहा हूँ। हाँ सर कहिए, वो क्या हुआ आपके वो प्लास्टिक प्रोडक्ट के शूट का? मिस्टर सक्सेना, हमने आपका कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लिया है। सर क्या क्या प्रॉब्लम हो गई? कॉन्ट्रैक्ट यू विड्रॉ कर लिया, व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक तो हमारा नया बिजनेस और ऊपर से आपकी खराब रेपुटेशन, रिस्क लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, समझे आप? कल तक यही लोग मेरी डेट्स लेने के लिए आगे पीछे घूमते थे और आज क्या बात है बेटा, अपने आप को इस कमरे में क्यों बंद करके रखा है? कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। पढ़ रही थी, साइकोलॉजी उल्टे दिमागों को ठीक करने की स्टडी है, ये तो मुझे पता था, लेकिन उल्टी किताबें भी पढ़ी जाती हैं ये मुझे नहीं पता था। एक्चुअली वो सिमरन दीदी एक किताब लेने आई थी, तब मिली नहीं, अभी देखी, मैं बस पढ़ने ही जा रही थी। रश्मि, सिमरन के साथ क्या बात हुई? वो बहुत परेशान लग रही थी, यूं ही उठकर चली गई? समथिंग इज रियली बॉदरिंग हर। क्या बात है बेटा, पता नहीं क्यों कभी ऐसे लगता है कि मैं तुम लोगों को अच्छी तरह समझती हूं, लेकिन कभी लगता है कि समझती ही नहीं हूं। शायद मैं तुम्हारी अपनी मां की तरह नहीं हूं ना, इसलिए पद्मा के अचानक गुजर जाने के बाद मैं यहां रुक गई, अपने बच्चों की तरह समझाए तुम लोगों को। मैं कुछ नहीं छुपा रही, जो मैं चाहती हूं मैंने बता दिया है। बुआ, इस परिवार की खुशी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है बेटा, अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे जरूर बताना। एक परेशानी है। क्या? वो आप प्रॉमिस कीजिए, आप दोबारा ऐसा कभी नहीं कहेंगी कि आप हमारी माँ की जगह नहीं ले सकती। आपके होते हुए हमने कभी भी अपनी मामा की कमी महसूस नहीं की। प्रॉमिस भी बुआ, प्रॉमिस।
मानस में सोच रहा हूँ पहले से मिल लेती हूँ। कविता को प्रणय और रश्मि के बारे में कुछ मालूम नहीं था? कमाल है, सब कुछ ठीक चलते चलते एक छोटी सी घटना जिंदगी का रुख बदल देती है। कमाल की बात कही मानस, मेरे लिए तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। वैसे किसके बारे में बात चल रही थी? प्रणय के बारे में। क्या हुआ, तुम दोनों इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? रोहित और रश्मि की शादी तय हो गई है। मैं प्रणय को समझ सकता हूं, उसके साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हुआ। हम एक दूसरे के नहीं हो सके। अब इसे वक्त की करवट कह लो या हमारा नसीब। रिश्तों के टूटने पर हर बार वक्त या नसीब को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मनु, मैं तुमसे एक बात पूछूं, प्लीज आई होप यू डोंट माइंड। तुम और अभिमन्यु सेपरेट क्यों हुए? लोग तो यही कहेंगे कि हम दोनों के बीच का 10 साल का एज डिफरेंस ही जिम्मेदार है, मगर मैं उम्र के फर्क को मैरिज की फेलियर का रीजन नहीं मानती। कारण है तो सोच के फर्क का। अभी अपने सोच में भी 10 साल पीछे था। He was too immature to understand our relationship, Manu. वो अपने उम्र के बहाव में ही बह गया, मुझसे शादी करने में भी और मुझसे अलग होने में भी। इस वक्त मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, परेशान हूं क्योंकि रश्मि बहुत इमोशनल होकर ये डिसीजन ले रही है। उसकी पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई अभी तक, इनफैक्ट शी जस्ट स्टार्टेड इट। इतने इमोशनल टर्मोइल के बाद उसने लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच लिया था और अब उसे ये फोर्स्ड डिसीजन लेना पड़ रहा है। और क्या वो कविता के हस्बैंड के साथ कंफर्टेबली एडजस्ट कर पाएगी? ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं रश्मि से शादी करना चाहता हूं या चाहता था। आई नो प्रणय, लेकिन रश्मि तो इस सिलसिले में कोई बात सुनना या समझना ही नहीं चाहती है। बल्कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कोई भी बात ना करने की कसम भी दी है उसने मुझे। प्रणय, मैं समझता हूं कि तुम्हें रश्मि से बात करनी चाहिए। She respects your advice. Moreover, तुम उसके प्रेमी हो and a great psychiatrist. तुम उसे सही perspective दे सकते हो। मैं उसे कोई perspective नहीं दे सकता। रश्मि एक बहुत emotional state में है। एक तरफ कविता की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने की इच्छा और दूसरी तरफ अपने प्यार को कुर्बान करने का महान विचार। इस वक्त मैं उससे कुछ कहूंगा तो वो समझेगी कि मैं बहुत ही छोटा इंसान हूं। मैं चाय कॉफी? नहीं, नो थैंक्स। चले मनु। आपने मेरा चेक वापस कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 20,000 रुपए नहीं मेरे अकाउंट में, जबकि मैंने महीनों से कुछ भी विड्रॉ नहीं किया। On 15th of this month, 4.5 लाख रुपए विड्रॉ किए गए आपके अकाउंट से। 4.5? Wait, I need to see this. कैसे? How is this possible? 4.5 लाख रुपए
15th of this month. अरे पर पॉसिबल कैसे? मैंने एक भी पैसा नहीं निकाला अपने अकाउंट से. इट्स अ जॉइंट अकाउंट. मिस किरण हैज विथड्रॉन ऑल द मनी फ्रॉम योर अकाउंट.